हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे यूट्यूब पे काफ़ी रिकमेंड कर रही थी। काफ़ी दिन से इसकी नोटिफिकेशन आ रही थी तो मैंने उस वीडियो को देख ही लिया। तो ये वीडियो थी नेहास क्रिएशन की, एक बहुत ही अच्छी मेहंदी की डिज़ाइन जो कि बहुत ही आसानी से उन्होंने बताई थी कि इस तरीके से आप करें, आपकी मेहंदी बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से लग जाएगी और वो भी बिगनर के लिए। तो मैंने इसको ट्राई करने की सोचा कि देखती हूँ कि किस तरह से ये अच्छा लगता है, सच में ये बिल्कुल उसी तरह बनता है जैसे उनका बना। तो मैंने सेम उनके ही जैसे सामान लिए, मतलब कि जो जो इन चीज़ उन्होंने बताई थी वही वही चीज़ मैंने ली। तो उन्होंने बताई थी इस तरह की गिफ्ट बैग लेने के लिए, तो मैंने गिफ्ट बैग ले लिया और उसे कट कर लिया। कट करने का तरीका उन्होंने इसी तरीके का बताया था तो मैंने भी इसी तरह कट कर लिया। लंबाई में कट कर लेना है तो देखिए ये कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हाथों में हम लगाएंगे फेविकॉल। फेविकॉल लगाना है, किसी कोई भी फेविकॉल लगा सकते हैं आप, बस वो कि आपको थोड़ी देर के लिए वो चिपक जाए। वो आपको फेविक्यूब का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वो परमानेंटली चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आपको फेविकॉल अपने हाथों में लगा लेना है ताकि जब हम वो गिफ्ट बैग चिपकाएँ तो वो चिपक जाए। इस तरीके से मैंने अपने पूरे हाथ में तलहत्ती में मैंने अच्छे तरीके से फेविकॉल लगा ली। अब क्या करेंगे कि जो गिफ्ट बैग हमने कट किया था ना उसे इस तरीके से लगा लेंगे। उन्होंने भी इसी तरह से बताई थी तो, लेकिन उन्होंने दूसरे के हाथ में किया था, यहाँ पे मैं खुद के हाथ में कर रही हूँ क्योंकि आप अपने हाथ में भी तो ट्राई करोगे ना। तो इस तरीके से उन्होंने कट किया था, मैं भी इसी तरीके से कट कर रही हूँ और इस तरह से अपने हाथ पे पेस्ट कर लूँगी। अच्छे तरीके से कर लेना है। थोड़ा सा मेरा इधर उधर कट गया था, कोई बात नहीं है, वो होगा ही, पहली बार में दूसरी बार में ज़रूर परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से मैंने फेविकॉल से अपने हाथों में ये गिफ्ट बैग को पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे मेहंदी। मेहंदी उन्होंने इंस्टेंट मेहंदी ली थी तो मैं भी यहाँ पे इंस्टेंट मेहंदी ले रही हूँ और इस तरह से पूरा हाथों में मैं अच्छे तरीके से मेहंदी को लगा लूँगी, एक लेयर के साथ, अच्छे पतले लेयर के साथ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे दिक्कत क्या होती है। यहाँ पे दिक्कत ये हुई थी कि जो इंस्टेंट मेहंदी होती है हमारी, वो होती है थोड़ी थिक और थोड़ी होती है ऑयली, जिसके वजह से अगर आप जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा फैलती है, वो एक जगह थिक में चली जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं और एक जगह पतली लेयर हो जाती है। तो इस तरीके से हुआ। अब हम क्या करेंगे कि मेरा 5 से 10 मिनट हो चुका था, इससे ज़्यादा रखना भी नहीं था, इसके बाद मैंने निकाला। ये देखिए किस तरीके का निकला है, जहाँ पे मेहंदी थोड़ी ज़्यादा चली गई वहाँ पे वो ज़्यादा हो गया। वैसे एक साइड जो अंगूठे के साइड है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन बना, लेकिन ये मुझे उतना कामयाबी नहीं लगी। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं शादी वगैरह में और इस तरीके का ट्राई किए तो वो हाथ का इस तरीके का हशर होने वाला है। आप भी एक बार ट्राई करके देख ले, शायद आपका अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। मेरे लिए ओके ओके टाइप था, लेकिन कलर ना आया ना डिज़ाइन आया तो क्या कहूँ फिर। ठीक है, अगर आपको पसंद आए, हाँ जी, तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, कहीं आपका अच्छा बन जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को हिट करते और नई नई वीडियो और नए नए इस तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।